दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में स्वागत करता हूं। और आप लोग जो है इतना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। हम लोग जो है आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। मेरा वादा है कि अगर आप हमारे इस मैराथन क्लास में बने रहते हैं तो आपको पजल से संबंधित किसी भी प्रश्न की समस्या नहीं होगी। और रीजनिंग में ये सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं चुटकियों में इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके लिए जो है अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेपर में एक चीज देखते होंगे, सुडोकू आता था। सुडोकू पेपर में एक सुडोकू भरने के लिए आता था, एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है पजल। पजल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। पजल का मतलब होता है कि अगर आपको मान लीजिए ऐसे कॉलम बना के दिया गया रहे तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए दो यहां लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो आपका यहां लिखा हुआ है तो इस लाइन में कहीं भी दो नहीं आएगा, ना तो इस लाइन में दो कहीं पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पजल का मतलब ये होता है, या सुडोको का मतलब ये होता है, या पहेली का मतलब ये होता है कि जो लाइन अगर दी गई है उस लाइन में कोई संख्या है तो वो संख्या एक ही बार रहेगी अपने कॉलम में, अपने क्षैतिज रेखा में। मतलब कि अगर यहां पे दो लिख दिए तो अब इसके सीध में ना तो कॉलम में कहीं दो मिलेगा, ना तो क्षैतिज रेखा में कहीं दो मिलेगा। अगर दो यहां लिख दिए तो अब यहां कहीं दो नहीं मिलेगा, अर्थात क्षैतिज रेखा में कहीं दो नहीं मिलेगा और कॉलम में भी कहीं दो नहीं मिलेगा। अगर दो यहां पर लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि क्षैतिज रेखा में दो कहीं नहीं मिलेगा और कॉलम में दो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज है कि जो भरने का तरीका है इसका मतलब ये हुआ कि दो आपका यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा, तो दो आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा और इधर कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका यही तरीका है कि इसको हम भरेंगे कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और मात्र मात्र 40 सेकेंड के अंदर अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो मैं वादा करता हूं कि 40 सेकंड के अंदर आपको मैं सुडोको या पहेली या फिर पजल सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो देखते रहिए द स्पीड स्टडी। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहेली। स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि पहेली कितनी प्रकार से सॉल्व की जाती है। इसको दो तरह से सॉल्व की जाती है। एक तो आपका होता है टेबल विधि और दूसरा होता है नकारात्मक जानकारी पर आधारित विधि। मतलब एक तरीका आपका है टेबल विधि और दूसरा तरीका आपका है कि नकारात्मक जानकारी पर आधारित विधि। आपको यह पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये पजल का बेसिक है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा उलझन होगी। और ये आपका है शॉर्ट मेथड SM। एग्जाम में आपको ये मेथड यूज करना है, लेकिन समझते टाइम आपको दोनों मेथड समझने हैं, क्योंकि अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो इसको समझने में समस्या होगी। तो आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपना परिवार है और अपने परिवार को बढ़ाइए, बड़ा कीजिए, और ये काम आपका है। हमारा काम है कि जो मैं बताऊंगा वो आप कहीं पर भी पा नहीं पाओगे। इतना अच्छा मेथड में बता दूंगा कि आप कहीं भी नहीं पाओगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तीन गोल्डन रूल हैं, जैसा कि आप ये थंबनेल में देख चुके होंगे कि वो तीन गोल्डन रूल क्या है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि तीन गोल्डन रूल क्या है। तो तीनों गोल्डन रूल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
क्या रूल है हमारा, बस यही आप समझ लीजिए। तीनों रूल के बारे में विस्तार से आप समझ लीजिए, पूरी पजल आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रश्न, पहला चीज, पहला रूल जो आपका है, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, पहला रूल है कि पजल में सही का चिन्ह, केवल दो परिस्थिति में आता है, पजल में सही का चिन्ह केवल दो स्थिति में आता है, और वो दो स्थिति क्या है? पहली स्थिति है यदि परीक्षक सही जानकारी दे देता है। अगर परीक्षक सही जानकारी दे देगा तब हमारा जो है सही का निशान आएगा। और दूसरा है, यदि टेबल में सभी क्षैतिज या सभी ऊर्ध्वाधर स्थान गलत हो, केवल एक को छोड़कर, मतलब कि यदि परीक्षक सही जानकारी दे देता है तब आपका जो है सही का निशान लगेगा, सही का चिन्ह लगेगा। और दूसरा, यदि टेबल में सभी क्षैतिज या सभी ऊर्ध्वाधर स्थान गलत हो केवल एक को छोड़कर। जैसे अगर मान लीजिए बना दिया गया टेबल आपका, टेबल अगर आपकी बना दी गई ए बी सी डी, और वो एक दो तीन चार, पहली दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर रहते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया गया कि ए चौथी मंजिल पर रहता है, क्या कह दिया गया? ए चौथी मंजिल पर रहता है, इसका मतलब परीक्षक ने सही जानकारी दे दी कि ए जो है चौथी मंजिल पर रहता है, तो चौथी मंजिल पर सही निशान लग जाएगा। क्या हम देख रहे हैं कि सही का चिन्ह केवल दो परिस्थिति में लगता है, अपने आप सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि उसमें कह क्या रहा है, जो चीज कहेगा उसी के आधार पर हम उसमें प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्न में कह रहा है कि ए चौथी मंजिल पर रहता है, इसका मतलब एग्जामिनर ने सही सही बता दिया कि ए जो है चौथी मंजिल पर रहता है, तो चौथे में आपका सही का निशान हो जाएगा। और अगर ए चौथी मंजिल पर रहता है तो चौथी मंजिल पर कोई और नहीं रहेगा, और अगर ए चौथी मंजिल पर रहता है तो ए किसी और मंजिल पर नहीं रहेगा। फिर देखिए, अगर प्रश्न में कह दिया गया कि बी पहली दूसरी चौथी मंजिल पर नहीं रहता, क्या कह रहा है? यदि टेबल में सभी क्षैतिज या सभी ऊर्ध्वाधर स्थान गलत हो, तो क्या कह रहा है कि बी पहली दूसरी चौथी मंजिल पर नहीं रहता, मतलब बी जो है पहली मंजिल पर नहीं रहता, दूसरी मंजिल पर नहीं रहता और चौथी मंजिल पर नहीं रहता। तो हम देख रहे हैं सभी स्थान गलत है केवल एक को छोड़कर, और केवल एक को छोड़कर, तो अगर बी जो है पहली दूसरी चौथी पर नहीं रहता, इसका मतलब कि बी जो है वो किस मंजिल पर होगा? तीसरी मंजिल पर होगा। तो ये चीज है, इस तरह से हमको भरना है। फिर और जो जानकारी दी रहेगी कि अगर मान लीजिए इसमें एक जानकारी ये दी गई कि सी जो है बी के एक मंजिल पहले नहीं रहता, सी जो है बी के एक मंजिल पहले नहीं रहता, तो इसका मतलब सी जो है वो बी हमारा किस मंजिल पर है? तीसरी मंजिल पर है, और इसके एक मंजिल पहले बी नहीं रहता, सी नहीं रहता, इसका मतलब सी यहां पर नहीं रहेगा। तो सी कहां रहेगा? यहां रहेगा, अर्थात ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
जब ये गलत हो गया तो अर्थात हमारे पास बचा क्या, तो डी हमारा किस मंजिल पर रहेगा, दूसरी मंजिल पर रहेगा। ये तरीका है सॉल्व करने का, और मात्र आप 40 सेकंड लिए, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर हमारे साथ बने रह जाते हैं मैराथन क्लास में, ये लगभग एक घंटे की क्लास होगी, अगर आप एक घंटे बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि पजल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा पजल की, कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे जो प्रश्न आप उठा लीजिए। और समस्या हो जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे, कमेंट में कहीं भी बता दीजिएगा, सर आपने बताया और हमें समस्या हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, अगला क्या है। देखिए ये तो था टेबल विधि, जो हमारा पहला गोल्डन रूल था, ये पहला गोल्डन रूल था। अब दूसरा जो गोल्डन रूल है, दूसरा रूल क्या है समझिएगा, दूसरा गोल्डन रूल क्या है, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो ईमानदारी से एक बार शेयर कीजिए, एक बार लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए, एक बार करिए। मैं देख रहा हूँ मोहित, हेलो, दीपक, आशीष, पंकज, शोभित, देवेंद्र, ठीक है। तो देखिए, तो जो आपका गोल्डन रूल नंबर दो है, हाँ मोहित मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, थैंक यू मोहित, सत्य प्रकाश थैंक यू। तो जो दूसरा रूल है आपका, कि जब जब सही का चिन्ह, ध्यान समझिएगा, जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब एक सही का चिन्ह, जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो जाता है, निर्मित हो जाता है, तब तब उसके क्षैतिज, तब उसके क्षैतिज व ऊर्ध्व कालम गलत होंगे, गलत होंगे। मतलब क्या है इसका, कि अगर एक सही का चिन्ह निर्मित हो गया तो उसके उसके सभी कालम और सभी ऊर्ध्व कालम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए यही है आपका, अगर यही है और अगर यहां पे आपका सही आ गया, अगर यहां पे आपका सही आ गया तो ये पूरा इधर का गलत हो जाएगा और ये पूरा गलत हो जाएगा। मतलब कि उसके सिर की क्षैतिज रेखा और उसके सिर की ऊर्ध्व रेखा गलत हो जाएगी। केवल यही तीन रूल आपको पढ़ना है, पहला रूल हमने ये बताया, दूसरा रूल मैं ये बता रहा हूं, और तीसरा और आखिरी रूल क्या है समझिएगा, तीसरा और आखिरी रूल क्या है समझिएगा, तीसरा और आखिरी रूल क्या है, छिपी हुई जानकारी, छिपी हुई जानकारी का प्रयोग अंत में करते हैं, छिपी हुई जानकारी का प्रयोग अंत में करते हैं। मतलब छिपी हुई जानकारी क्या है, जैसे अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं बताता हूं छिपी हुई जानकारी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, एक बार छिपी हुई जानकारी समझिए। एक बार अगर कह दिया गया, लिखा है ए बी सी डी और ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ऑरेंज, रेड और व्हाइट। अगर मान लीजिए प्रश्न में कह दिया गया, प्रश्न में कह दिया गया कि जो व्यक्ति ब्लैक पैंट पहनता है या ब्लैक शर्ट पहनता है, इसको शर्ट कह दीजिए और इसको पैंट कह दीजिए। अगर प्रश्न में कह दिया गया कि जो व्यक्ति ब्लैक शर्ट पहनता है वो व्हाइट पैंट पहनता है, मतलब जो व्यक्ति ब्लैक पैंट पहनता है वो व्हाइट शर्ट पहनता है। अब इसमें ये चीज नहीं कहा है कि कौन सा व्यक्ति है कि जो ब्लैक पैंट पहनता है और व्हाइट शर्ट पहनता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे में क्या करेंगे कि किसी को भी मान लेंगे कि बी जो है ब्लैक जो है शर्ट पहन लिया और व्हाइट पैंट पहन लिया, लगा देंगे ऐसे अंदाज से। तो ऐसा कभी मत कीजिए,
ऐसा केवल 10% या 15% ही सही होता है, मतलब तुक्का जिसको बोलते हैं, कि अगर आपकी किस्मत में था तो ये सही हो गया, और अगर आपकी किस्मत में नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। तो जो छिपी हुई जानकारी, मतलब अगर नाम ना दिया गया रहे, अगर नाम ना दिया गया रहे, कह दिया गया कि जो व्यक्ति पांचवी मंजिल पर है वो विज्ञान पढ़ाता है, अब ये नहीं कह रहा है कौन सा व्यक्ति पांचवी मंजिल पर है, तो ऐसी जानकारियों को छिपी जानकारी कहते हैं। और छिपी जानकारियों को हम कब भरते हैं, छिपी हुई जानकारी का प्रयोग अंत में करते हैं। ठीक, तो चलिए हम जैसे कि प्रश्नों को लेकर के इसको बताते हैं आपको, और प्रश्नों के जरिए जो है पूरा प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगा है, कह रहा है पांच शहर ए बी सी डी ई प्रसिद्ध है उनके गहने बगीचे शिक्षा बंदरगाह और इत्र के लिए। इस शहर मतलब एक शहर केवल एक ही वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पांच शहर है और पांच चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ए बी सी डी ई पांच शहर है और पांच चीजों के लिए प्रसिद्ध है, बाग गहना शिक्षा बंदरगाह और इत्र। केवल आप समय देख लीजिए, 30 सेकेंड के अंदर ये प्रश्न पूरा सॉल्व कर दूंगा मैं, और वादा करता हूं कि अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं एक घंटे तो आप भी ये प्रश्न पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है कि ए तथा सी में ना तो शिक्षा संस्था है और ना ही बगीचा है। ए तथा सी में, ध्यान समझिएगा, ए तथा सी में ना तो शिक्षा है और ना ही बगीचा है। तो ए तथा सी में ना तो शिक्षा है और ना ही बगीचा है, पहला भर दिया हमने। दूसरा क्या कह रहा है, बी तथा ई गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बी और ई गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो बी गहने के लिए नहीं प्रसिद्ध और ई गहने के लिए नहीं प्रसिद्ध। फिर क्या कह रहा है, इत्र व गहनों के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है, इत्र और गहने के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है। अभी सब भर लेंगे, उसके बाद सही वाला भरेंगे। फिर क्या कह रहा, समझिएगा, कह रहा है डी तथा ई बगीचे तथा गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, डी तथा ई बगीचा और गहना, बगीचा और गहना के लिए प्रसिद्ध नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि डी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, डी शिक्षा के लिए नहीं प्रसिद्ध, तो डी शिक्षा के लिए नहीं प्रसिद्ध हो गया। अब हम इसको भरना शुरू करते हैं, अब सही वाला भरेंगे इसमें। देखिए कह रहा था कि ए जो है आपका, ए जो है वो, अब देख रहे हैं कि ए में क्या खाली है, बंदरगाह, इसका मतलब ए जो है किसके लिए प्रसिद्ध होगा, बंदरगाह के लिए। और अगर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध होगा तो गोल्डन रूल नंबर 2 में हमने बताया कि अगर एक सही स्थिति हमको मिल जाएगी तो उसकी क्षैतिज और उसकी ऊर्ध्व स्थिति नकारात्मक हो जाएगी, मतलब कि इसके जो ऊर्ध्व स्थिति है वो नकारात्मक हो जाएगी। कहीं भी किसी को भी समस्या हो तुरंत कमेंट कीजिए। अब देखिए अगली स्थिति क्या है, हम डी में देख रहे हैं, डी में हमारे पास एक स्थिति खाली है, अर्थात डी में हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध होगा, इंद्र के लिए प्रसिद्ध होगा, और जब एक भर देंगे तो जो शेष स्थान है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं सी जो है, सी अगर हमारा गहने के लिए प्रसिद्ध है तो इसका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बाघ के लिए देख रहे हैं, इसमें सब गलत है, केवल एक बचा है ये सही हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं सब गलत है, क्योंकि ये सही हो गया, इसके कालम में सब गलत, इसके कालम में सब गलत, तो एक स्थिति बची और ये क्या हो जाएगी, सही। तो हमने देखिए सारा सॉल्व कर दिया, और कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, एकदम आसान है और एकदम आसान लगेगा, कहीं भी समस्या हो तो बताइए, केवल प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद केवल 3 गोल्डन रूल का फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद हल कर दें। जैसे उसी नियम का, इसी नियम का एक प्रश्न और देखते हैं, इसी नियम पर एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, क्या कहना, समझिएगा, ए बी सी डी और ई पांच नगरों P, Q, R, S और T अनिवार्यतः इस
क्रम में नहीं है, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न नगर से है, पुनः दिया गया है। अब देखिए क्या कहना है, पांच लोग हैं ए बी सी डी ई और पांच नगर है पी क्यू आर एस टी और प्रत्येक एक व्यक्ति एक ही नगर से है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, पांच शहर है और पांच नगर है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई और पांच शहर में रहते हैं पी क्यू आर एस टी। हमने कहा कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी उत्साह महसूस हो, हम भी उत्साहित हों। तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए सर, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, आप ही लोग से हम डिमोटिवेट भी होते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर किया करें, पूरा देखा करें और लाइक किया करें, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं फीस तो ले नहीं रहा हूँ आपसे। आपकी हमारे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है बी और सी नगर क्यों से नहीं है, समझिएगा, बी और सी नगर क्यों से नहीं है। तो बी और सी जो है वो नगर क्यों से नहीं है, मतलब नगर क्यों से नहीं। फिर आगे देखिए, बी और ई नगर पी और आर से नहीं है, बी और ई नगर पी और आर से नहीं है। तो बी भी नगर आर से नहीं है, बी नगर आर से नहीं है और ई नगर आर से नहीं है। बी तथा ई नगर पी और नगर आर से नहीं है, तो नगर पी तथा नगर आर से नहीं है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है, ए और सी नगर आर आर एस टी, तो ए और सी नगर आर एस टी, तो ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है। फिर आगे चलिए, डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है, डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं। हो गया, हमने सब भर दिया। अब चलते हैं आगे, अब इसमें सही वाला भरेंगे। तो सही वाले के लिए सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा कॉलम ऐसा है या कौन सा क्षैतिज रेखा ऐसी है जहां पे एक डिब्बा खाली है। तो हम देख रहे हैं कि सी में यही एक डिब्बा खाली है, हमने यहां सही का निशान लगा लिया। जब आप यहां पे सही का निशान लगाएंगे तो उसके ऊर्ध्व में और उसके क्षैतिज में सभी गलत हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलिए, हम देख रहे हैं कि यहां पर एक डिब्बा खाली है, अर्थात जब यहां पे सही लग जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, यहां पर एक डिब्बा खाली है, तो अभी यहां पे देख रहे हैं एक डिब्बा खाली है और जब यहां पे सही लग गया तो इसके सीध में गुल गलत हो जाएगा। फिर देखिए, अब इसमें एक डिब्बा खाली है तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो सब गलत है, और यहाँ पे एक डिब्बा खाली है तो यहाँ सही हो जाएगा। देख लीजिए पूरा हल हो गया, कहीं भी किसी को समस्या हुई, अगर मजा आया हो तो ईमानदारी से एक लाइक जरूर कीजिएगा, ईमानदारी से। अगर आपका दिल कहे कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं तो आप एक बार लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं उसी क्रम में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिएगा। तीन व्यक्ति ए बी और सी ने शर्ट के रंग हैं, तीन व्यक्तियों ए बी सी के शर्ट के रंग हैं काला नीला रंग नारंगी और पैंट के रंग हरा पीला नारंगी, मतलब इसी क्रम में नहीं है, अलग अलग भी है। किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहनी, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है समझिएगा, दिया गया है ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं,
और कह क्या रहा है कि काला नीला नारंगी, काला नीला नारंगी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा समझिएगा, ये तो है क्या रंग के शर्ट का रंग है, ये किसका रंग है, शर्ट का रंग है। और बीच में इसको मैं इस तरह ये इसलिए बना रहा हूं कि ताकि अंतर पता चले कि इधर शर्ट है और इधर पैंट है। पैंट में क्या है, एक दो तीन, तीन कलर पैंट के क्या है समझिएगा, हरा पीला नारंगी, हरा पीला नारंगी, ये है आपका पैंट। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है इसमें, अब सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए ने काली रंग की कमीज नहीं पहनी, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी, ठीक। आगे क्या कह रहा है, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी, ठीक। कहीं भी समस्या हो तुरंत कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो अब कहीं भी समस्या हो तो आप पूछिएगा, आप लोग हमारे अपने लोग हैं, ठीक, जो हमारा सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आप लोग पढ़िए और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, याद रखिएगा। कह रहा सी नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनेगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बस। चलिए यही इतना दिया गया है और नहीं दिया गया, यही इतना दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज या पैंट नहीं पहनी है, किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज या पैंट नहीं पहनी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बी नारंगी पैंट पहना है तो इसका मतलब कि अब नारंगी पैंट कोई पहनेगा नहीं पहनेगा, अगर बी नारंगी पैंट पहन लिया है तो क्या बी कोई और पैंट पहनेगा, नहीं पहनेगा, क्या सब बी ए पहन लेगा क्या, तो ये हो गया। और अगर अगर आप देख रहे हैं हरा रंग, हरे रंग की पैंट ए और बी नहीं पहना है, इसका मतलब हरे रंग की पैंट पहनेगा कौन, सी पहनेगा, और अगर सी हरे रंग की पैंट पहन लेगा तो कोई और हरे रंग की नहीं पहनेगा। उसी तरह एक कलर हमारे पास बचा तो पीले रंग की पैंट कौन पहनेगा, पीले रंग की पैंट ए पहनेगा। किसी को कहीं समस्या, चलते हैं कमीज की तरफ। कमीज, कमीज में देख रहे हैं कि सी हरे रंग की कमीज पहना और प्रश्न में कह रहा था कि जो जिस रंग की कमीज पहनेगा उस रंग की पैंट नहीं पहनेगा, तो अगर हरे रंग की कमीज पहना है तो क्या हरे हरे रंग की पैंट पहना है तो क्या हरे रंग की शर्ट ये पहनेगा, तो नहीं पहनेगा। अगर बी की बात करें तो बी देख रहे हैं नारंगी रंग की पैंट पहना है तो क्या बी जो है नारंगी रंग की शर्ट पहनेगा, तो नहीं पहनेगा, था कि ये गलत हो गया। जब ये दो गलत हो गया तो हमारे पास एक ही बचा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। देख रहे हैं दो गलत अर्थात ये सही, और जब ये सही तो इसके कारण में पूरा गलत, तो जब ये गलत तो हमारे पास ये सही। देख लीजिए सारा आपके सामने, कहीं भी समस्या हो तो अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना मित्र समझ के जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक प्रश्न और देखते हैं। आज पजल पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ये वादा है। पजल में कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको अब समस्या नहीं होगी। तो क्या कह रहा है सुनिएगा, ए बी सी डी ई पांच, मतलब ये पांच मित्र हैं और अलग अलग रंग की शर्ट पहनते हैं, हरा पीला गुलाबी लाल नीला, और पैंट काला सफेद ग्रे नीला और हरा पहनते हैं। समझिएगा, समझिएगा क्या क्या कह रहा है। पांच मित्र हैं ए बी सी डी ई, पांच मित्र, पांच मित्र हैं, कौन कौन सी शर्ट पहन रहे हैं, पहले शर्ट लिखते हैं हम, शर्ट कौन कौन सी पहन रहे हैं देखिएगा। कह रहा है कि शर्ट में हरा पीला गुलाबी लाल नीला,
हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नीला, ये शर्ट है। शर्ट के रंग हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नीला। और पैंट के रंग, पैंट के रंग काला, सफेद, काला सफेद, ग्रे, काला सफेद, ग्रे, नीला और हरा, ये पैंट का रंग है। ये पैंट का रंग है और ये शर्ट का रंग, ठीक, ये है, बन गया सब। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, समझिएगा। कह रहा है कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की पैंट व एक ही रंग की शर्ट नहीं पहनता। पहली चीज, कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की पैंट और एक ही रंग की शर्ट नहीं पहनता, चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी ने नीले रंग की शर्ट और सी ने हरे रंग का पैंट पहना है। डी नीले शर्ट, डी नीले रंग की शर्ट पहना है और सी हरे रंग की पैंट पहना है और सी ने हरा पैंट पहना है। तो सी ने पैंट किस कलर को पहना है, हरा। ये आपका पैंट है और ये आपकी शर्ट है, ठीक। आगे चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है काली पैंट पहनेगा। आगे वही प्रश्न कि छिपी हुई जानकारी, अब इसमें यह नहीं कह रहा है कौन सा व्यक्ति है जो नीली पैंट पहनता है और वो लाल शर्ट पहनता है, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा, देखिए तीसरे नंबर पे आपका लिखा है कि इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है, हरी शर्ट पहनता है वो काली पैंट पहनेगा, काली पैंट पहनेगा। दूसरा कह रहा है कि जो नीली पैंट पहनता है, जो नीली पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा, वो लाल शर्ट पहनेगा। ये दोनों आपकी छिपी हुई जानकारियां हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे, इसलिए इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। क्या कह रहा है, ए सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है। ए सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है, ठीक। अगर ए गुलाबी शर्ट पहन लिया तो, अगर ए गुलाबी शर्ट पहन लिया, चलिए एक और देखते हैं। ई लाल शर्ट नहीं पहनता है, ई लाल शर्ट नहीं पहनता है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या देखिए, अगर ए जो है, अगर ए गुलाबी शर्ट पहन लिया तो क्या ए कोई और शर्ट पहनेगा, नहीं पहनेगा। अगर गुलाबी शर्ट ए पहन लिया तो क्या कोई और गुलाबी पहनेगा, नहीं पहनेगा। क्योंकि हमने कहा कि नियम नंबर दो में, गोल्डन रूल टू में, कि अगर एक व्यक्ति सही हो जाएगा तो उसके कालम और उसके क्षैतिज कालम में सभी गलत हो जाएंगे। अब देखिए, अगर डी नीली पैंट पहनता है, नीली शर्ट पहनता है, तो क्या कोई और नीला पहनेगा, नहीं पहनेगा। अगर डी नीला पहन लिया तो क्या कोई और कलर पहनेगा, नहीं पहनेगा। किसी को कोई समस्या, अब चलिए इसमें देखते हैं। अगर ए जो है सफेद पैंट पहन लिया, क्या कोई और पैंट पहनेगा, नहीं पहनेगा। अगर सफेद पैंट ए ने पहन लिया, क्या कोई और सफेद पहन सकता है, नहीं पहन सकता। उसी प्रकार हरे के लिए भी कोई नहीं पहनेगा और कोई नहीं पहनेगा। इतना किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए, ये याद रखिएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा ताकि जानकारी देता रहे कि इधर शर्ट है और उधर पैंट है। अब चलिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। हरी शर्ट और काली पैंट, जो हरी शर्ट पहना है वो काली पैंट पहनेगा, पैंट में काली जो पहनेगा वो शर्ट में हरा पहनेगा, ठीक। तो अब देखिए, काली पैंट के लिए हमारे पास दो स्थिति है। काली पैंट या तो हम बी को पहना सकते हैं, और काली पैंट या तो हम डी को पहना सकते हैं, और काली पैंट या तो हम किसको पहना सकते हैं, ई को पहना सकते हैं। तीन चीज है,
काली पैंट हम इन तीन लोगों को पहना सकते हैं और काली पैंट इन तीन लोगों को पहनाएंगे तो काली पैंट के साथ हरी शर्ट पहनाना है, काली पैंट के साथ हरी शर्ट पहनाना है। और हम देख रहे हैं कि हरी शर्ट जो है, हरी शर्ट हम किसको नहीं पहना सकते, हरी शर्ट हम डी को नहीं पहना सकते, डी को हरी शर्ट नहीं पहना सकते, तो हरी शर्ट हम ई को पहना सकते हैं। ठीक, हरी शर्ट हम ई को पहना सकते हैं और हरी शर्ट हम किसको पहना सकते हैं, बी को पहना सकते हैं। तो इसका मतलब जब डी गलत है, डी को नहीं पहना सकते, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार नीली पैंट की अगर बात की जाए तो नीली पैंट सुनिएगा, नीली पैंट जो पहनेगा वो लाल शर्ट पहनेगा, तो लाल शर्ट, शर्ट में लाल, तो कौन कौन पहन सकता है, लाल शर्ट बी पहन सकता है और सी पहन सकता है, केवल यही दो लोग लाल शर्ट पहन सकते हैं। अगर लाल शर्ट पहनेगा तो वो किस कलर की पैंट पहनेगा, नीले कलर की। तो देख रहे हैं कि सी तो नीले कलर की पैंट नहीं पहन सकता, अर्थात लाल शर्ट जो है सी नहीं पहनेगा, और अगर सी नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा, बी पहनेगा, और बी पहनेगा तो ये पूरा गलत हो जाएगा, अब बी कोई और कलर नहीं पहनेगा। तो बी अगर लाल शर्ट पहन लिया तो बी की पैंट क्या होगी, नीली होगी, तो बी की पैंट क्या होगी, नीली होगी, तो और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं भी समस्या हो तुरंत बताइएगा, केवल स्टेप बाई स्टेप हम करते चले जाएंगे, स्टेप बाई स्टेप हम करते चले जाएंगे। अब देखिए, अब अगर ये हो गया तो क्लियर हो जाएगा, हरी शर्ट काली पैंट वाला, काली पैंट को उसको पहना सकते हैं, काली पैंट हम पहना सकते हैं ई को, तो जब ई काली पहनेगा तो ई शर्ट जो होगी वो हरी होगी, अर्थात ये पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास ग्रे बचा, तो ग्रे अर्थात डी को हम ग्रे कलर भी पहना सकते हैं, डी को हम, अब ये सही है अर्थात ये गलत, तो डी क्या पहनेगा, ग्रे कलर पहनेगा। और जब डी ग्रे पहन लिया, अब यहां पर हम देखेंगे सी के लिए कि सी को हम शर्ट कौन सी पहनाएं, तो देखिएगा अगर ये सही है तो ये गलत और ये सही, ये पूरा कॉलम हमने बना दिया। किसी को कहीं भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। कुछ हमने किया नहीं, जो भी जानकारी दी गई थी उसी जानकारी को लेकर के हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक, तो चलते हैं इसी तरह के एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न पर, जो कि आपकी मंजिल पर आधारित है, मंजिल पर आधारित प्रश्न। देखिए कह रहा है मंजिल पर आधारित प्रश्न कि चलिए, अच्छा पहले टीचर पे देख लीजिए, पी क्यू आर एस टी यू वी सात शिक्षक हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी सात शिक्षक हैं, और विषय जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स मैथ जियोग्राफी इतने चीज पढ़ाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन एक ही चीज पढ़ाता है। चलिए दिन विषय, चलिए हम चलते हैं बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, आर आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आर जो है वो शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, कर दिया हमने। कह रहा है क्यों मैथ पढ़ाता है फिजिक्स के ठीक पहले, क्यों जो है, क्यों क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है फिजिक्स के ठीक पहले, अभी हम उसको छोड़ेंगे। वी केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, वी जो है, वी जो है केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज यहां लिखेंगे हम। क्या कह रहा है, लेकिन रविवार को पढ़ाता है, वी जो है किस दिन पढ़ाता है, रविवार को पढ़ाता है, लेकिन केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता।
जो जानकारी दी गई है वही जानकारी मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे, कहीं भी समस्या हो सर इसको यहां की लिख दीजिए, तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कह रहा है यस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले, यस जो है क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, ठीक, यस जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले, यू को छोड़ते हैं। फिर कह रहा है पी मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है, पी जो है मंगलवार को, पी जो है मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है टी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, टी जो है ये इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, ठीक। अब देखिए अगर टी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, अगर वी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, तो इंजीनियरिंग पढ़ाएगा कौन, जो बच्चा वही पढ़ाएगा, यानी कि इंजीनियरिंग कौन पढ़ाएगा, यू पढ़ाएगा। अब देखिए अगर यू इंजीनियरिंग पढ़ाएगा और वी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा कौन, केमिस्ट्री टी पढ़ाएगा। अब जो एक सब्जेक्ट बचा होगा वो कौन पढ़ाएगा, वी पढ़ाएगा। तो देख लीजिए बचा कौन सा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारे पास थे फिजिक्स, फिजिक्स कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, अर्थात वी क्या पढ़ाएगा, वी आपका फिजिक्स पढ़ाएगा। हो गया सब सॉल्व हो गया। अब आप दिन देख लीजिए और दिन के लिए एक बार फिर से शुरू से पढ़िए। पहले नंबर पे कह रहा था कि आज शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, क्यों मैथ पढ़ाता है फिजिक्स के ठीक पहले, तो फिजिक्स के ठीक पहले क्या पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा। तो फिजिक्स आपका रविवार का है, तो रविवार के पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार, इसका मतलब शनिवार को कौन पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यस जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले, यस जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले, इसका मतलब कि यस और यू क्रमागत दिन होंगे, यस और यू क्रमागत दिन होंगे। तो ऐसा देख लीजिए कौन सा दिन ऐसा बचा हुआ है जो दोनों एक साथ आते हैं, तो रविवार सोमवार मंगलवार बचा है, सोमवार देखिए तो मंगलवार यहां लिखा था, सोमवार मंगलवार नहीं होगा। फिर कौन सा बचा, बुधवार बृहस्पतिवार बचा है, तो इसका मतलब कि अगर यस आपका बुधवार को पढ़ाया जाएगा तो यू आपको किस दिन पढ़ाया जाएगा, बृहस्पतिवार को, और जब ये बृहस्पतिवार को पढ़ाया जाएगा तो हमारे पास बचा मंगलवार, तो इसका मतलब टी किस दिन पढ़ाया जाएगा, मंगलवार को पढ़ाया जाएगा। किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, जहां पर वीडियो अच्छा लगे वहां पर तुरंत लाइक बढ़नी चाहिए, याद रखिएगा जहां वीडियो अच्छा लगे लाइक वहां तुरंत बढ़ जानी चाहिए। अगला प्रश्न हम आपको देखते दिखाते हैं, आज आपको पूरा पजल कंप्लीट करा दिया जाएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है, एक संस्थान में, ठीक रुक जाइएगा, बिल्डिंग वाला एक पढ़ा देता हूं, बिल्डिंग 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 वाला प्रश्न, चलिए अच्छा देखते हैं, चलिए अच्छा क्या कह रहा है सुनिएगा, P Q R S T U V W Z, P Q R S T V W Z तीन अलग अलग गंतव्य स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि जो है इसमें क्या आएगा, ठीक। ये जो प्रश्न दिया गया है ये आपका होमवर्क है, अगर आप इसको लगा लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लगा पाएंगे तो ये फिर हम कल बताएंगे, इसको आप लगाइए, नहीं लगा पाएंगे इसको कल बताएंगे, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा हूं, आप हमारे साथ रहिए, दोनों लोग मिलकर के ऐसी पढ़ाई कराएंगे कि कोई भी परीक्षा हो आप उसमें सफल जरूर होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।